गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत 16 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो हम चलते हैं कल के सवाल के जवाब की ओर। कल हमारा जो सवाल था वो था, विनिर्मित पदार्थों का मूल्य बढ़ने से देश में नवंबर 2020 महीने में थोक मूल्य सूचकांक की दर क्या है। जो WPI है, थोक मूल्य सूचकांक, उसकी दर क्या है नवंबर महीने में, वो हमारा सवाल था। इसका जवाब है 1.55%। और ये जो WPI है, इसको आर्थिक सलाहकार का कार्यालय निकालता है मंथली बेसिस पे। ये जो कार्यालय है वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके अंदर आता है। और ये जो डिपार्टमेंट है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का पार्ट है। दोस्तों हम थोड़ा और समझते हैं WPI को। फ्यूचर प्राइस इंडेक्स है, ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है। इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। जो सबसे जो बड़ा कंपोनेंट है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, विनिर्माण की जो वस्तुएं हैं वो 64.23% इसका वेटेज है। और दूसरे नंबर पे प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसका 22.62% वेटेज है। तीसरा है फ्यूल एंड पावर, जिसका 13.15% वेटेज है। दोस्तों आप याद रखिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा किसका वेटेज है, सबसे ज्यादा कौन कौन सा जो पैरामीटर है वो भार है इसमें, 64.23 मैन्युफैक्चरिंग का है। हम चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, गार्डर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसको हम GRIC बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में स्थित है। हम इसको बैकग्राउंड में कवर करते हैं, ये न्यूज में क्यों है GRIC। हाल ही में GRIC ने हिमगिरी नाम का एक जो नौसेना के लिए जहाज बनाया है, पहला नंबर का जो जहाज इन्होंने प्रोजेक्ट 17A के तहत डिलीवर कर दिया है। तो इसलिए जो GRIC ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज में आ गया। और जो प्रोजेक्ट 17A, जो भारतीय जो नौसेना को जो जहाज देने का जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत टोटल 7 जहाज बनाए जाएंगे। 3 जहाज ये GRIC सप्लाई करेगा और बाकी के जो 4 जहाज है वो माजगांव डॉक बनाएगा। हम आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल है, किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति बिल विधानसभा में पेश कर दिया है। एक बार फिर से मैं सवाल को दोहराऊंगा, किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति बिल विधानसभा में पेश कर दिया है। इसका जवाब महाराष्ट्र। ये जो बिल है शक्ति बिल, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये जो बिल है, इसके तहत 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने का प्रावधान है, और 30 दिन के अंदर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान है साथ में। और ये जो जो बिल है वो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार, एसिड हमले और अपमानजनक सामग्री जैसे अपराध करने के लिए मौत की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देने का प्रावधान करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। और जो शक्ति बिल है, आंध्र प्रदेश राज्य के दिशा बिल था उसके आधार पे बनाया गया है। यहाँ के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये जो आंध्र प्रदेश का दिशा बिल था उसको बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है, वहां का जो इम्प्लीमेंटेशन उसको देखा है। लेकिन हमारे देश में जो अच्छे अच्छे कानून है वो जब तक उनका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जब तक वो कानून एक अच्छा अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाता ग्राउंड पे, तो महिलाओं के लिए जो सुरक्षाओं के लिए जो बहुत ही अच्छा कदम कह सकते हैं महाराष्ट्र जो राज्य है उसका, वहां की जो सरकार है उसका। और हम चाहते हैं कि जो हमारे देश में जो बाकी राज्य हैं वो भी ऐसे ही अच्छे अच्छे बिल लाएं, अच्छे अच्छे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाएं। हम आगे चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, वर्तमान में कौन बांग्लादेश के लिए भारतीय उच्चायुक्त है। वर्तमान में कौन बांग्लादेश के लिए भारतीय हाई कमिश्नर है। अभी विक्रम दोराई स्वामी जी हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के लिए, भारत के। अभी बांग्लादेश देश बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि जो वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं और जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो 17 दिसंबर को भी एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो बांग्लादेश हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, काफी ज्यादा जो जिनके बायलैटरल टाइज है काफी अच्छे लेवल पे, एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ काफी आना जाना लगा रहता है जो लीडर है उनका। और बांग्लादेश का हमने अलग से वीडियो भी, जो हमारा करंट अफेयर सीरीज है उसमें काफी डिटेल में 3-4 स्लाइड कवर की है। तो हम आगे चलते हैं, आप इसको याद रखिए, जो विक्रम दोराई स्वामी जी न्यूज में है थोड़े। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है,
किसने वर्ष 2020-21 के लिए फिक की अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? फिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है काफी न्यूज में था अभी, इसका जो 93वीं जो वार्षिक बैठक थी उसको प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था, तो इसका जो अभी जो प्रेसिडेंट अभी 2020-21 के लिए बने हुए उदय शंकर जी। और फिक्की के हम फुल फॉर्म भी बता देते हैं आपको, परीक्षा में पूछ सकता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या इसकी फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है भैया। आगे चलते हैं पांचवा सवाल की ओर। पांचवा सवाल है, जासूसी उपन्यासों के मशहूर लेखक जॉन ले कैर का निधन हो गया, वह किस देश के थे? मैं सवाल एक बार फिर से पढ़ूंगा, जासूसी उपन्यासों के मशहूर लेखक जॉन ले कैर का निधन हो गया, वह किस देश के थे? वह इंग्लैंड के थे दोस्तों। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ये क्यों फेमस थे ये जो जासूसी उपन्यासों के लेखक। ये शीत युद्ध के दौरान जासूसी दुनिया को दर्शाते उपन्यासों से इनको प्रसिद्धि मिली थी। इनको जो फेमस जो नॉवल है वो उपन्यास उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। इनके हैं द स्पाई हू केम इन फ्रॉम द कोल्ड, और दूसरा है द ऑनरेबल स्कूल बॉय, तीसरा है टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई। ये तीन इनके उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनका जो नाम है वो डेविड जॉन मुरे कार्निवेल था, लेकिन मैं जॉन ले कैर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं दोस्तों। छठा नंबर का सवाल है, जो इकोनॉमी जो करंट अफेयर्स है उसके सेक्शन से है, FSGC के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है डायरेक्टली एग्जाम में। किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जिसको हम FSGC बोलते हैं की 23वीं बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता की है? इसकी अध्यक्षता की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। FSGC की जो चेयरमैन जो होता है वो होता है वित्त मंत्री। इसने जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो एक बार रिव्यू लिया है, और भारत की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए इन्होंने जो कदम उठाने के लिए एक डिस्कशन किया, और किस दिशा में मतलब हमें कार्य करना चाहिए इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, उससे रिलेटेड। हम आगे चलते हैं सातवें नंबर के सवाल पे। सातवां नंबर का सवाल है, भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आज अपने नए डिजिटल भुगतान ऐप का शुभारंभ किया है, उस ऐप का नाम क्या है? दोस्तों उस ऐप का नाम है डाक पे। वो जो डाक पे जो ऐप है, ये जो भारत में जो डिजिटल वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध कराएगा, और ये जो समाज की जो अलग अलग वर्ग है उनको वित्तीय जो आवश्यकताएं हैं, जो फाइनेंशियल जो नीड है उनको पूरा करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है हमारी जो भारतीय डाक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों जो विभाग है उनका। हम आगे चलते हैं आठवें सवाल पे। आठवां सवाल है, इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। यह है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि हमारे देश के अगले साल गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। सवाल नंबर 9 है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल थे दोस्तों। अभी आज इनकी 70वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, इसलिए न्यूज में है। और इनका जन्म गुजरात के नादिया जिले में हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। इनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं 10वें सवाल पे। कहां पर नववर्ष त्योहार लोसर मनाया जा रहा है? कहां पर नववर्ष त्योहार लोसर मनाया जा रहा है? ये त्योहार लद्दाख में मनाया जा रहा है। आज के हमने 10 सवाल कवर किए, और हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे भाग पर अन्य महत्वपूर्ण समाचारों पर। अन्य महत्वपूर्ण समाचार में हमने टोटल 8 समाचार कवर किए हैं। पहला है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी हैं, जो कि शक्ति बिल की वजह से न्यूज में हैं। दूसरा जो खबर है वो है, इंदु भूषण जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के रांची में शुरुआत की गई थी इसकी, और इस योजना के तहत हर परिवार को पर पर्सन 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का पैसा मिलता है। और ये जो भारत सरकार की योजना है इसके तहत 50 करोड़ लोगों को फायदा होने का अनुमान लगाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कब लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा, कहाँ पे लॉन्च किया गया था, सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं चौथा नंबर का पॉइंट। चौथा है, 12वें ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट्स असेसमेंट यानी ग्रह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। 12वें जो ग्रह वर्चुअल समिट है इसका थीम है कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें। इसकी थीम याद रखिए, कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें। पांचवा नंबर का पॉइंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी जो चिकित्सा सेवा है
इसके तहत 10 लाख लोगों ने टेली परामर्श ले लिए अब तक। बहुत अच्छी बात है, हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला छठा नंबर का पॉइंट है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है उसके जो डायरेक्टर जनरल है महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा जी। सातवां नंबर का पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को आभासी शिखर बैठक करेंगे। बांग्लादेश और भारत के जो बायलैटरल टाइज है वो आसमान को छुएंगे एक दूसरे के साथ, बहुत ही इनका गहरा जो कोऑपरेशन रहता है दोनों देशों का, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात वैज्ञानिक रोडम नरसिम्हा के निधन पर दुख जताया। डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि जो रोडम नरसिम्हा है कौन से क्षेत्र से संबंधित है, यह वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारे आज के जो अन्य महत्वपूर्ण समाचार खत्म होते हैं। हम आज के सवाल पे आते हैं। आज का सवाल है, श्री जगन्नाथ मंदिर और श्री लिंगराज मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? सवाल है, श्री जगन्नाथ मंदिर और श्री लिंगराज मंदिर को किस भारतीय राज्य में स्थित है? आज का जो वीडियो खत्म होता है। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दे, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को देख ले। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जो है हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला ही है, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, आप दिन रात एक करते मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, ये आपके पास चांस है नौकरी लेने का।